41,000 करोड़ रुपए तो किसानों की जेब से निकाल लिए तेल के नाम से सरकार ने, ये दे रही है सरकार। कैसे आय दुनी हो जाएगी? सरकार का एक मंत्र है, किसी हालत में किसी तरह की सूचना ना दो, सब चीजों को छुपा के रखो, आंकड़े छुपा के रखो और सारी चीजें उन्हें छुपा के रखो, कुछ पता ही नहीं लगने दो। अगर पता नहीं लगेगा तो आदमी रिएक्ट कैसे करेगा? उनके दिमाग में जो गंदी साजिश चलती है वो उसी को मूर्त रूप देते हैं, उसी के लिए काम करते हैं और उनके दिमाग की गंदगी लगातार सामने आ रही है। ट्विटर पर 3 दिन से ट्रेंडिंग कर रहा है बाकायदा कि मोदी जी रोजगार दो, युवा क्या आप जाग चुका है? नहीं, युवा तो मैं समझता हूँ जब उन्होंने वो मनाया था 17 सितंबर को राष्ट्रीय रोजगार दिवस, तब भी जाग रहा था। लेकिन एक चीज मुझे समझ में नहीं आई कि ये ट्विटर पे क्यों जागता है युवा, ये युवा सड़क पे क्यों नहीं जागता, ये सड़क पे क्यों नहीं भागता, ये मेरी शिकायत है। अगर युवा साथी मेरे से नाराज हों कोई दिक्कत नहीं है, पर मेरी शिकायत है, एक बड़े भाई होने के नाते मैं उनसे कहना चाहता हूँ, जब तक आप सड़क पर नहीं आओगे, जब तक अपने आंदोलन को जन आंदोलन नहीं बनाओगे, क्योंकि इस देश में युवाओं की बेरोजगारी की समस्या वाकई में बड़ी भयानक समस्या है, उसके लिए उन्हीं को आना पड़ेगा, तो वो ट्विटर छोड़ के, फेसबुक छोड़ के, व्हाट्सएप छोड़ के, यूट्यूब छोड़ के सड़क पे आना चाहिए सबको इकट्ठा होके, तब ये सरकार जो है उनकी बात मानेगी, तब ये सरकार झुकेगी। यूपी सरकार ने बजट पास किया है, उसमें कल उन्होंने बड़ा बयान दिया है कि हमने यहाँ पे यूपी वालों की आय दोगुना कर दी है। बिल्कुल, कैसे दोगुना करी है ये नहीं बताया उन्होंने, कहने में क्या होता? मैं ये कहता हूँ कि किसानों की आय 5 गुना हो गई, इससे फर्क क्या पड़ता है? आप बताएंगे कि आंकड़े कैसे होते हैं, मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, उससे आप समझ लेना। आपने अच्छी बात छेड़ दी तो एक आंकड़ा आपको दे देता हूँ, एक ही दूंगा बढ़िया। इस मोदी सरकार के समय में, मोदी सरकार पहले ही दिन से कहती आ रही कि हम किसानों की आय दुगनी करेंगे, पहले 5 साल की बात करी, फिर उन्होंने 2022 का टारगेट कर दिया, 2021 चल रहा है। इस 2021 तक किसानों की आय इस मोदी शासन काल में 35% कम हो गई। मतलब ऐसे समझे आप, अगर 100 रुपए इनकम थी 2014 से पहले, आज की तारीख में वो 65 रुपए हो गई, 35 रुपए कहां गए पता नहीं, ये कम हो गई उसकी इनकम, तो आप दुगनी कैसे करेंगे? दूसरा एक और आंकड़ा बताता हूं आपको, ये सरकार जो है किसानों की आय दुगनी करने के लिए एक फार्मूला अपना रही है कि साल में 6,000 रुपए किसानों के खाते में जा रहे हैं, जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है उसके माध्यम से, उसके माध्यम से जो अब तक आंकड़े आए हैं, उस आंकड़े को अगर टोटल आप कैलकुलेट करो, 7 बार 2,000 रुपए भेजे गए हैं किसानों के खाते में, और ये शुरू हुआ है आपके उसे दिसंबर 2018 से मार्च 2019 पहला ये, फिर उसके बाद में 4 महीने का, फिर उसके 4, इस तरह से 7 बार अब तक पैसे डाले जा चुके हैं। शुरू में जो किसानों को दिए गए, करीब 3.5 करोड़ किसानों के ही खाते में वो पैसे गए, और किसान कितने हैं? सरकारी आंकड़े के हिसाब से इस देश में 14.64 करोड़ किसान हैं, जिसमें सरकार के हिसाब से 12.5 करोड़ किसान छोटे किसान है, यानी जिन पर 2 हेक्टेयर से कम जमीन है, मतलब 2 हेक्टेयर का मतलब हो गया कि उन पर 5 एकड़ से कम जमीन है, या अगर बीघा में कहो तो 25 बीघा से कम जिस पर जमीन है वो किसान छोटे और मझोले किसान है। उन 12.5 करोड़ किसानों को सरकार किसान सम्मान निधि देती है। अभी तक जो मैक्सिमम सरकार दे पाई है, मैक्सिमम एक बार में, वो 10.40 करोड़ की सरकारी आंकड़े, इनकी कंफर्मेशन नहीं है, उनमें से कितने लोगों को मिला है पता नहीं है। सरकारी आंकड़े कहते हैं कि 40 लाख लोगों को, इसमें फर्जी जो लोग हैं 40 लाख, उनके पास किसान सम्मान निधि पहुंच गई है। तो अगर सरकारी आंकड़े भी मान लेते हैं, 10.40 करोड़ इन किसानों को मैक्सिमम एक बार में ये पैसे पहुंचे हैं, इस 7 बार में टोटल अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो 1,10,000 करोड़ रुपए इन 7 बार के टर्म में किसानों के पास पहुंचे हैं, अगर सरकारी आंकड़ों को सही मान लेते हैं तो। ठीक है, अब आप देखें जरा, इस सरकार ने 2014 के बाद में जो तेल में वृद्धि करी है, मैं आंकड़े बता रहा हूं इसको बहुत ध्यान से समझना, इसको जो तेल में वृद्धि करी है, उस तेल से सरकार ने कितने पैसे कमाए मोदी सरकार ने, राज्य सरकारों का अलग करते हैं, मोदी सरकार ने लगभग 21.5 लाख करोड़ रुपए कमाए हैं, अगर इसमें स्टेटों का भी जोड़ दें राज्यों का भी, तो करीब 31 लाख करोड़ की कमाई ये डीजल और पेट्रोल में पैसे बढ़ा के सरकार ने कमाए हैं। और इसमें जो हमारे देश में जो डीजल इस्तेमाल होता है, वो डीजल इस्तेमाल होता है तकरीबन 70%
जो डीजल है वो डीजल के वाहन है, मतलब सारे जो वाहन हैं उसमें 30% के लगभग उसके पेट्रोल के वाहन हैं और 17% डीजल के हैं। और डीजल में जो 28% खपत होती है वो कृषि के क्षेत्र में होती है, यानी कि जो पंप सेट है उसमें होती है, डीजल इंजन लगाते हैं या ट्रैक्टर में होती है, वो किसान 28% डीजल इस्तेमाल करता है। अगर इसको हम देख लें तो किसानों से ही सरकार ने 1,51,000 करोड़ रुपए केवल इन जो 7 पीरियड हैं, यानी दिसंबर 2018 से और इस मार्च नवंबर 2020 तक जो पैसे सरकार ने कमा लिए किसानों से, वो बैठते हैं 1,51,000 करोड़। और किसानों को कितने दिए अगर सरकार की बात से माने, 1,10,000 करोड़, यानी 41,000 करोड़ रुपए तो किसानों की जेब से निकाल लिए तेल के नाम से सरकार ने, ये दे रही है सरकार। कैसे आय दुगनी हो जाएगी? जो कट्टा था खाद का कट्टा 50 किलो का 45 किलो का कर दिया, रेट उसके बढ़ा दिए, कैसे आय दुगनी हो जाएगी? बीज की कीमत बढ़ रही है, हमसे लिए जाने वाले जो बीज खेत में से जो अनाज लिया जाता है उसके 10 गुना से 20 गुना तक जो है वो बीज हम ही को दिया जाता है, कैसे इसमें सरकार करेगी? तो कहने में कुछ नहीं है। और मोदी सरकार या बीजेपी सरकार चाहे राज्य में हो चाहे केंद्र में हो, चाहे इनका केवल एक काम है कि बकते रहो, आप कहते रहो बोलते रहो और कुछ नहीं है, करना कुछ नहीं है। तो सरकार केवल कह रही है, हकीकत में जमीन पर कुछ नहीं है। डिजिटल मीडिया के ऊपर अभी कानून ला रहे 3 महीने के अंदर लागू करेंगे, तो इसके लिए आपको हल्ला मचाना चाहिए। डिजिटल मीडिया भाई आप लोग हैं, सबसे ज्यादा असर आप पर पड़ेगा जो आप सोशल मीडिया के साथी हैं। मतलब यह है कि इससे एक बात सिद्ध हो गई है, सोशल मीडिया ने इस आंदोलन की और देश में घटने वाली तमाम घटनाओं की सच्चाई लोगों के सामने रख दी है। और आप आज की तारीख में मेन स्ट्रीम मीडिया बन चुके हैं, और जो आप लोगों की दिक्कतें सरकार के सामने और पूरी दुनिया के सामने रखे हैं उससे सरकार बेचैन है, क्योंकि सरकार का एक मंत्र है किसी हालत में किसी तरह की सूचना ना दो, सब चीजों को छुपा के रखो, आंकड़े छुपा के रखो और सारी चीजें उन्हें छुपा के रखो, कुछ पता ही नहीं लगने दो। अगर पता नहीं लगेगा तो आदमी रिएक्ट कैसे करेगा? पर आपने सरकार को नंगा कर दिया, आपने सोशल मीडिया के माध्यम से सारी सच्चाई लोगों के सामने रख दी, इसलिए आपका गला दबाने की कोशिश है, इसलिए फेसबुक पे जो लोग बोलते हैं उनका गला दबाने की कोशिश है, यूट्यूब पे जितने भी साथी अपनी जगह जगह अपनी बात कह रहे हैं उनका गला दबाने की कोशिश है। आप साथ नहीं दोगे हमारा? बिल्कुल देंगे, क्या बात कर रहे यार, मैं तो हूँ आपका साथ देने के लिए, मैं तो जो आंदोलन जीवी हूँ कहना रहे मोदी जी, तो मैं तो तुम्हारा साथ दूंगा भी, तुम करो आंदोलन, मैं तुम्हारे साथ में हूँ। यार तुम भी उनकी बात कर रहे हो जिसका आंदोलन से कोई लेना देना नहीं है। मायावती जी आज की तारीख में बीजेपी और आरएसएस के एजेंट के रूप में काम कर रही हैं, ये आपको समझ जाना चाहिए, नहीं तो वो आंदोलन में सबसे आगे होती और ये आंदोलन बहुत मजबूत हो गया होता। जब नहीं है तो आपको समझ जाना चाहिए। नहीं सर, वो क्वेश्चन आप समझ नहीं पाए सर, एक जब यहाँ पार्क बनाया और एक जब यहाँ स्टेडियम बनाया, इतना बड़ा स्टेडियम है उस पे मोदी जी का तो नाम चेंज हुआ है। बिल्कुल ठीक बात है ना, मायावती जी की तरह वो भी काम कर रहे हैं, तो उनका काम यही है। और इस देश का नाम वो तो सुकर समझो, अभी देश का नाम नरेंद्र मोदी नहीं रखा, अभी स्टेडियम का रखा है, अभी तो पटेल साहब को ठिकाने लगाया है, अभी तो किसी और को जो है बाकी पूरे देश को ठिकाने लगाने की स्थिति। देखिए उनके दिमाग में जो गंदी साजिश चलती है वो उसी को मूर्त रूप देते हैं, उसी के लिए काम करते हैं, और उनके दिमाग की गंदगी लगातार सामने आ रही है। एक देश के राष्ट्र मतलब इतने बड़े राष्ट्रवादी एक नेता का नाम खत्म करके, जो राष्ट्रीय आंदोलन के एक बड़े मजबूत नेता रहे उनका नाम खत्म करके और नरेंद्र मोदी के नाम पर लगाया जा रहा, तो नरेंद्र मोदी जी को भी शर्म आनी चाहिए कि जिस समय मायावती जी लगा रही तो कह रहे जिंदा अपनी मूर्ति लगा ली, तो भैया जिंदा तुमने स्टेडियम बना लिया, मूर्ति भी तुम्हारी लगी जाएगी उसमें, तो तुम मेरे में फर्क क्या है? मंदिर तो बनाना मेरे नरेंद्र मोदी जी का नाम। हाँ भाई मुझे पता नहीं मंदिर बना, मैंने नहीं देखा। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज़ प्लीज क्लिक द बेल आइकन।